हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी MHTC की 2022 की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले जब वीडियो पोस्ट हो, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी 1 लेके आई थी, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी 2 लेके आऊँगी। तो आज के वीडियो में हम वही सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ उनको पता हुआ मैंने स्ट्रैटेजी 1 में क्या बताया था, और जिन्होंने नहीं देखा है जो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे आया है, उनके लिए मैं एक बार एक मिनट में फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी थी आपकी PCMB, ठीक है। PCMB का मतलब क्या था, ठीक है। P का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके, आपको वो अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। बुक्स आती हैं, साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सब पे मिल जाते हैं। तो कम से कम 10-15 सालों के तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। फिर आपका M से आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को लगानी ही है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, अगर आप लोग 20 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपके 3000 क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आता है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, आपको जो क्वेश्चन है वो आपको जो आपने जो पढ़ा था वो आपको बार बार याद आ रहा है या नहीं आ रहा सही टाइम पर, वो सब चीज़ें टेस्ट होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मॉक टेस्ट की, उसमें आप ज़रूर 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 एनरोल रहिएगा। बिलीव करिए, वो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। वो कहीं से भी उठाई नहीं गई है, कहीं से भी कॉपी नहीं करी है, ठीक है। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो उस चीज़ पे। सी जो है वो आपका क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स मतलब क्या, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में आपके शॉर्ट में कवर किए जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको पूरा एक एक लाइन अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से नहीं पढ़ना होता है, उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया जाता है, जिससे कि आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और जो बच्चों को क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट साथ में लगाना है, ठीक है, उनके लिए भी प्रोविज़न है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट वाली जो लिंक है उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ का कंबाइंड पैकेज है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा, तो आप वो भी चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। एंड सी जो है वो आपका कंसिस्टेंसी के लिए भी स्टैंड करता है, ठीक है, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया और फिर 20 दिन की छुट्टी पर चलेगा, ऐसे नहीं। रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पी हो गया, सी हो गया, उसके बाद आपका एम होता है, ठीक है। एम आपका जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है, पी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सी होता है क्रैश कोर्स, और एम होता है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। और जो आपका बी है वो होता है बैलेंस, कि पढ़ाई और आपके गेम्स, फन, हॉबीज़ वगैरह में बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि हमेशा फ़न करते रहना है, या फिर ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप लोगों को पढ़ते रहना है, तो उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी नंबर 2, ठीक है। तो PCMB जो आपकी स्ट्रैटेजी, उसको तो आपको फॉलो करना ही है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है आपकी, वो मैं कुछ पॉइंटर्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों से हो पाता है वो सुबह उठ के पढ़ाई करें, ठीक है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है पढ़ने की, ठीक है। ज़्यादा आप मेमोराइज़ कर सकते हो, आपका दिमाग सुबह सुबह अच्छा चलता है, ठीक है। तो रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। इस साइकिल को 21 डेज तक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। एंड सुबह पढ़ी हुई पढ़ाई जो होगी आपकी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इंस्टेड रात को बैठ के नींद आ रही है उसमें पढ़ने से बेटर है कि सुबह फ्रेश माइंड पढ़ा जाए, और सुबह उठने के लिए आप लोगों को रात को सोना जल्दी, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोए, ठीक है। दूसरा, गर्मी के दिन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। ठंडे एनवायरनमेंट में रहिए थोड़ा, एंड अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी जो हैं, ये भी आपकी पढ़ाई पे, हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पे आपकी आती है, ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अपने दोस्तों की कुछ भी बात मत सुनिए, ठीक है। कोई अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कोई बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं वैसे पढ़ना है, या फिर कोई आपको कुछ भी और बोल रहा है, ठीक है, आपको किसी की भी बात अभी के लिए नहीं सुननी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम टाइमिंग स्लॉट होता है, यानी कि 9:30 AM से 12:30 PM और 2:30 PM से 5:30 PM,
इन दो टाइम स्लॉट्स में आप लोगों को पढ़ाई करनी ही करनी है, आपको उतने घंटे एक जगह में बैठ के पढ़ना ही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो आप उस जो आपका टाइम स्लॉट है ठीक है, उसमें आपको नींद नहीं आए, उसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चले, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। इसलिए ये दो टाइम स्लॉट्स में आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो चार टिप्स थी, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, खाना अच्छे से खाइए, पानी पीजिए, ठीक है। दोस्तों की बातों पे जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और चौथा है कि ये दो टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करो, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। PCMB वाली स्ट्रैटेजी पक्का फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो जाइए, मॉक टेस्ट आप लोगों को अच्छे से मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। और क्रैश कोर्स की अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उसमें भी एनरोल कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आज के 4 से 5 पॉइंटर ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।